दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी, पेंशन सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है, और उन्होंने उस पेंशन के बिल को खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है, 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने अपने कर्मचारियों को, जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी, जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन का की दिहाड़ी करते थे, और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी, उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था। पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहाँ केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करता था, करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा, और आज की डेट में ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? आजादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आजादी के, पहली बार एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया, कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने नहीं लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये, एक एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमी की खाने के ऊपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई, जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है, हर रोज बताते हैं 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए की पेट्रोल और डीजल से टैक्स पे आमदनी होती है, साल में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।